हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के बारे में और टेम्परेचर को नापने के लिए कौन कौन से स्केल यूज किए जाते हैं उनके बारे में तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेम्परेचर क्या होता है द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी यानी कि किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं टेम्परेचर कहते हैं अब यहाँ पे बॉडी का मतलब ह्यूमन बॉडी से नहीं है बॉडी का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है आइधर वो एक बॉटल है या फिर के फ्लोर है कुछ भी हो सकता है ठीक है तो किसी भी कोई भी बॉडी जो है वो कितनी ठंडी है कितनी गर्म है वही क्या कहलाता है टेम्परेचर कहलाता है या फिर के तापमान कहलाता है अब इस तापमान को नापने के लिए हमें स्केल भी चाहिए ठीक है वाला स्केल नहीं जो आप लोग घर पे यूज करते हो कॉपी में लाइन ड्रॉ करने के लिए इसके लिए अलग से स्केल होते हैं तीन अलग तरीके की स्केल को हम लोग डिस्कस करेंगे एक होता है सेल्सियस स्केल दूसरा होता है फेरानाइट और तीसरा होता है कैलविन ठीक है ये तीनों के तीनों क्या होते हैं अलग अलग तरीके की स्केल्स होते हैं अब देखिए इसमें हम लोग थर्मामीटर यूज़ करते हैं टेम्परेचर नापने के लिए आपको पता होगा क्या यूज़ किया जाता है थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है अब ये थर्मोमीटर जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं एक सेल्सियस थर्मोमीटर होता है जिसमें रीडिंग जो होती है सेल्सियस में होती है दूसरा होता है जिसमें फेरानाइट में रीडिंग होती है और तीसरा जो होता है जिसमें कैलविन में रीडिंग होती है तो सेल्सियस की अगर मैं बात करूँ तो उसको हम लोग डिग्री सी से डिनोट करते हैं इसको हम लोग एफ़ से डिनोट करते हैं और कैलविन को हम लोग के से डिनोट करते हैं आप लोगों ने सेल्सियस के बारे में भी सुना होगा क्योंकि जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर वगैरह हम लोग देखते हैं टीवी में दिखाता है या फोन में दिखाता है तो हमेशा वो डिग्री सेल्सियस में दिखाता है फेरानाइट कभी भी अगर डॉक्टर के पास आप जब फीवर के फीवर नपवाने के लिए जाते हो दवाई लेने जाते हो तो जब वो अपने थर्मामीटर से नापता है तो हमेशा आपको वो फेरानाइट में बताता है जैसे कि 98.4 है या 100 डिग्री से 100 डिग्री है आपको बुखार जब आप पूछते हो डॉक्टर से कि आपको फीवर कितना है तो वो बताते हैं कि हंड्रेड है हंड्रेड है तो वो हमेशा फेरानाइट में बताते हैं ठीक है कैलविन है कैलविन जो साइंटिफिक लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है तो हम लोग देख भी लेते हैं सेल्सियस स्केल जो होता है वो लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है नॉर्मल लैब वगैरह जो हो गई वहाँ पे यूज़ किया जाता है या फिर के मेटरलॉजी डिपार्टमेंट में यूज़ कि किया जाता है ठीक है फेरानाइट स्केल जो है वो क्लिनिक में यूज़ किया जाता है यानी कि डॉक्टर्स यूज़ करते हैं इसे कैलिविन स्केल जो होता है साइंटिफिक लेबरेटरी में यूज़ किया जाता है सेल्सियस स्केल जो होता है उसकी रीडिंग जो होती है जीरो से लेकर हंड्रेड डिग्री तक होती है जीरो से हंड्रेड ये चीज़ जरूर याद होनी चाहिए कहाँ से ज़ीरो से हंड्रेड और फेरानाइट जो होता है वो थर्टी से टू तक होता है ठीक है तो अगर यहाँ पे आप लोग इनके बीच में अंतर देखोगे तो इसके बीच में कितना अंतर आप लोगों को मिलेगा ठीक है थर्टी टू से टू हंड्रेड ट्वेल्व तक ये जाता है अब देखो यहाँ पे बात आती है कन्वर्जन की कि हम लोग किस तरीके से इनकी वैल्यूज को कन्वर्ट करेंगे अगर मान लो कि हमें जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि थर्टी टू डिग्री थर्टी टू डिग्री सेल्सियस है उसको हमें कन्वर्ट करना है फेरेनहाइट में या फिर के कन्वर्ट करना है कैलविन में तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होना चाहिए और फार्मूला होगा जब भी तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे कन्वर्जन के लिए तीन फार्मूले आप लोगों को बता रहा हूँ जो अगर आप लोग याद रखोगे तो फिर कोई भी कन्वर्जन जो है वो नहीं रुकेगी तो जैसे अगर आपको सेल्सियस से फेरेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो सेल्सियस से फेरेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा क्या करना नाइन बाई फाइव यहाँ पर जो भी सेल्सियस में दे रखा होगा वो रख देना और प्लस थर्टी टू इसको सॉल्व कर देना फेरेनहाइट में आंसर आ जाएगा फेरानाइट टू सेल्सियस में करना है तो यहाँ पे फेरानाइट रख देना इसी फार्मूले में फेरानाइट की वैल्यू बस सॉल्व कर देना आंसर आ जाएगा और सेल्सियस से कैलविन में करना तो सीधा सीधा सेल्सियस में 273.15 जोड़ दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा कैलविन में कन्वर्ट हो जाएगा मैं आपको तीन क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के आप लोगों के पास यहाँ पे सबसे पहले सेल्सियस टू फेराइट का क्वेश्चन सेल्सियस टू के क्वेश्चन में आपको जो सेल्सियस की वैल्यू है वो दे रखी है सेवेंटी सिक्स डिग्री सेल्सियस ठीक है आपको कन्वर्ट करना है में दूसरा क्वेश्चन है सौ चार डिग्री फेरेनाइट है इसको आपको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में तीसरा क्वेश्चन सेल्सियस टू कैलविन यहाँ पे आपको फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस दे रखा है आपको किस में कन्वर्ट करना है कैलविन पे ये तीनों क्वेश्चन करके आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताना और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे और अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके प्ले चेक करो उसमें सारी वीडियोज़ आप लोग को मिल जाएंगी और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए ठीक है तो ये होमवर्क करके आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे अब हम लोग चार पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं अभी चार पॉइंट दिखने में तो बड़े आसान से लग रहे होंगे कि सर बॉइलिंग पॉइंट बताएंगे फ्रीजिंग पॉइंट बताएंगे तो हम पहले से ही जानते हैं ठीक है लेकिन एक बार रिमाइंड करा देता हूँ बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का कितना होता है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस सेल्सियस में बात करूँ तो हंड्रेड डिग्री और अगर मैं फेरानाइट में बात करूँ तो टू हंड्रेड फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है यानी कि पानी जमता कब है जीरो डिग्री सेल्सियस पे और फेरानाइट की बात करूँ तो थर्टी डिग्री फेरानाइट रूम टेम्परेचर यानी कि जो सामान्य टेम्परेचर होता है उसको अगर बोला जाए कितना होता है तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको आगे चल के ऐसे मिलेंगे जिसमें बोलेगा कि रूम टेम्परेचर पर यह सब्सटांस रखा हुआ था इसके अंदर ये प्रोसेस हुई बताओ अब वो कितना बचा ये जो भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप पे वो आपको ये बोल देगा रूम टेम्परेचर पे रखा था तो रूम टेम्परेचर आपको कैसे पता चलेगा आपको पता होना चाहिए कि रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है फेरानाइट की बात करूँ तो फेरानाइट में 77 डिग्री फेरानाइट हो जाएगा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो होता है डिग्री सेल्सियस में बात करें तो थर्टी डिग्री सेल्सियस होता है फेरानाइट में नाइन्टी और नाइन्टी भी यूज कर लेते हैं हम लोग तो इतना फेरानाइट में ये होता है होमवर्क में ये तीनों क्वेश्चन करोगे और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जो है वो लीव कर सकते हैं मैं उसका रिप्लाई जो है जरूर करूँगा और आप लोगों को पता होगा कि हम लोग की एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है चिटचे संडे के नाम से जिसमें जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम होगी चाहे स्टडी से रिलेटेड चाहे आप लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम उन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो चिटचे संडे की क्लास में दिया जाएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो